भाई कोई छोटा सा बच्चा डूब रहा है, देखो शायद मर गया। मैं घर से अब भी निकला ग्रोसरी लाने, छताबल वालों ने चीखे दी, मैं यहाँ पे अकेला था। फिर जब मैंने देखा तो मैंने इन सब को बुलाया, देखो खुदा रामा कर जी। वो ये छोटा सा बच्चा है, تمس پھوکا پھوک हम सलाम करते हैं ऐसे नौजवानों के ऊपर जो अपनी जान पर खेल कर किसी की जान बचाने के लिए हमेशा सामने आते हैं। ये वीडियो जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं, आपको बता दें चले कि श्रीनगर के सफा कदल इलाके में एक 7 साल की उम्र का बच्चा जो अचानक पानी में गिर पड़ा और पानी में गिरने के बाद यूं कह सकते कि जहलिम के अंदर जा पड़ा और फिर उसके बाद वो पानी के अंदर बहने लगा। लेकिन जब ये बच्चा बहता हुआ नीचे जा रहा था तो वहां पर कुछ लोकल नौजवान जिनको आप मेरे साथ में इन कश्मीर के बेटों को साफ तौर पर इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह के बिना ही इस दरियाई जालिम के अंदर छलांग मारकर इस बच्चे की, इस कमसिन उम्र के बच्चे की जान बचाई। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच्चा सफा कदल इलाके में अचानक से इस दरियाई जालिम के अंदर गिर पड़ा और उसके बाद मुसलसल जो है ये पानी के अंदर तैरता हुआ नजर आ रहा था। और सफा कदल इलाके में ही जब कुछ नौजवानों ने, कुछ लड़कों ने, जिनाब तस्वीरों में देख रहे, उन्होंने इस बच्चे की लाश को तैरते हुए देखा तो नौजवानों ने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए जहलिम के अंदर छलांग मार दी और इस 7 साल के नौजवान, इस 7 साल के बच्चे की जान बचाई। हम सलाम करते हैं और कमेंट सेशन खुला है, आप भी कश्मीर के इन हीरोज के लिए जरूर कमेंट सेशन में कुछ ना कुछ लिखे जिन्होंने आज फिर से चमत्कार करके ये दिखाया कि वाकई में श्रीनगर के जो नौजवान है, ये जो नौजवान है ये वाकई में कश्मीर के हीरो है। इनके लिए आप कमेंट सेशन में क्या कुछ लिखते हैं, कमेंट आपके लिए जरूर इन नौजवानों को अप्रिशिएट करें। भाई कोई छोटा सा बच्चा डूब रहा है, देखो शायद मर गया। मैं घर से अभी निकला ग्रोसरी लाने, छताबल वालों ने चीखे, मैं यहाँ पे अकेला था। फिर जब मैंने मैंने इन सब को बुलाया, छोटा सा बच्चा ठीक सुख बसा का चेक।